टीकमगढ़ विधायक राकेश गिरी एक बार फिर गुस्से में आग बबूला होते नजर आए। मामला कलेक्टर कार्यालय से 108 वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने का है, जिसमें विधायक राकेश गिरी के पहुंचने के पहले ही प्रशासनिक अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के द्वारा हरी झंडी देकर रवाना कर दिया गया, जिसको लेकर विधायक राकेश गिरी आग बबूला होते नजर आए। संगठन के साथ ही प्रशासनिक उपेक्षा से नाराज विधायक ने स्वास्थ्य विभाग में अधिकारियों पर भ्रष्टाचार और उपेक्षा जैसे आरोप लगाए हैं। बताया जाता है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 30 अप्रैल शनिवार को पूरे प्रदेश के साथ टीकमगढ़ को 108 और जन्नी वाहन की सौगात दी गई थी। टीकमगढ़ जिले को सौंपे वाहनों को आज हरी झंडी दिखाकर रवाना करना था। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के द्वारा विधायक राकेश गिरी, खरगापुर विधायक राहुल सिंह और भाजपा जिला अध्यक्ष अमित नूना सहित भाजपा संगठन को आमंत्रित किया गया था, लेकिन टीकमगढ़ विधायक के पहुंचने से पहले ही प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा वाहनों को हरी झंडी दिखा दी गई। जब टीकमगढ़ विधायक राकेश गिरी कलेक्ट्रेट पहुंचे तो उन्हें जानकारी दी गई कि वाहन रवाना हो गए। उपेक्षा से गुस्साए विधायक गिरी का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग के कुछ कर्मचारी सीएचएमओ के द्वारा जिला अस्पताल में लगातार भ्रष्टाचार और कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है। इसकी शिकायत उनके द्वारा प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान से की जाएगी। उनका आरोप था कि इस तरह के अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं और विधायकों की उपेक्षा कर रहे हैं। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। विधायक जी बताइए, जब 108 एम्बुलेंस का उद्घाटन हुआ जिला अस्पताल में माहौर द्वारा और यहाँ के डीपीएम आदित्य तिवारी द्वारा भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है और जो वहाँ का स्टाफ है उसको दबा के रखा जाता है। आज 10 बजे मुझे एम्बुलेंस के लिए बुलाया गया था, इसके बाद इनका फोन पहुंचा कि नहीं, अब टाइम बदल दिया, 11:15 पे आना है। और मैं जैसे ही अपने समय पे आया उसके पहले इनके द्वारा एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखा दी गई है। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कांग्रेसी मानसिकता के अधिकारी बैठे हैं, जिन्होंने मेरी आज अपेक्षा की है और मैं इसकी शिकायत माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से करूंगा, क्योंकि पिछले काफी समय से जिला अस्पताल में भ्रष्टाचार का आलम है। यहाँ आदित्य तिवारी जैसे भ्रष्ट लोग बैठे हैं, माहौर जैसे भ्रष्ट लोग बैठे हैं, जनप्रतिनिधियों का सम्मान नहीं करके जानते हैं। हमारे शिवराज जी की मंशा है कि अंतिम छोर तक व्यक्तिगत योजनाओं का लाभ पहुंचे और आज एम्बुलेंस जो यहाँ पे आई है उनको दिखाया हमें हरी झंडी दिखानी थी, लेकिन मेरी प्रशासन द्वारा और यहाँ के जिला अस्पताल के द्वारा कलेक्टर टीकमगढ़ के द्वारा मेरी जानबूझकर अपेक्षा की गई है। मैं निरंतर देख रहा हूँ कि यहाँ के कुछ लोगों के इशारे पर, कांग्रेसियों के इशारे पर यहाँ के विधायकों की, जनप्रतिनिधियों की अपेक्षा की जा रही है। मैं इसकी निंदा करता हूँ और इसकी शिकायत मैं माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से शीघ्र करूंगा और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उनसे भी इसकी मैं शिकायत करूंगा। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।